ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੂਹੀ ਗਰੋਵਰ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ भारतीय किसान यूनियन के बुलारी राकेश चिकैत ने कहा कि किसानों वालों दिल्ली दी बरूहां ते लाया मोर्चा अजे नहीं हट रहा है ते किसान आपो अपने थावां ते डटे हुए हैं। चिकैत ने कहा कि सरकार वालों भेजे खरड़े तजवीज़ विच दावा किया गया है कि वह संयुक्त किसान मोर्चे दी मंगा मनन लई तैयार है पर किसान पहला अंदोलन खत्म करन। चिकैत ने कहा कि खरड़े विच कुछ मंगा नूं लैके गल्लां साफ नहीं हन इन्हां बारे ते केंद्र दे रुख बारे अज मुड़ चर्चा होवेगी। राज सभा विच विरोधी धिर दे आगू मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सर्द रुती इजलास दौरान उपरले सदन विच बने जम्मू दे लई सीधे तौर ते सरकार जिम्मेवार है। खड़गे ने कहा कि विरोधी धिरां राज सभा दे 12 संसद मैंबरां दी मुअतली रद्द कीते जाण तक अपने सांझे प्रदर्शन नूं जारी रखणगियां। गोरखपुर विच इक एम्स ते खाद कारखाने समेत तीन वड्डे प्रोजैक्टां दा उद्घाटन करन तों बाद प्रधानमंत्री ने गोरखपुर विखे चोण रैली नूं संबोधन कीता। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो पहला समाजवादी पार्टी ते तंज कसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल टोपी नू सूबे ले रेड अलर्ट दे बराबर दसिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरा उत्तर प्रदेश चंगी तरह जानता है कि लाल टोपी वालियां नू सिर्फ लाल बत्ती दी ही चिंता है ते उन्हां नू यूपी दे लोकां दी पीड़ ते दुखां दा कोई अंदाजा नहीं है। लाल टोपी वाले घुटाले करन लई सत्ता विच आउणा चाहुंदे हन ते माफिया राज नू पूरी आजादी देना चाहुंदे हन। आम आदमी पार्टी आप दे कौमी कन्वीनर ते दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगामी पंजाब विधानसभा चोणां दे मद्देनज़र दुआबे दे दो जिलियां जलंधर ते हुशियारपुर दा दौरा कीता ते पंजाब वासियां नूं पार्टी वल्लों दो होर गरंटियां दित्तियां। उन्हां करतारपुर विच महिला शक्तिकरण मुहिम दी शुरुआत कीती जदकि हुशियारपुर विच एससी भाईचारे दे रूबरू होए। भाजपा वालों कैप्टन अमरिंदर सिंह दी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस ते सुखदेव सिंह ढींडसा दी अगुवाई वाले श्रोमणी अकाली दल संयुक्त नाल चोन गठजोड़ संबंधी बकायदा गलबात शुरू हो गई है। इस संबंधी भाजपा दे पंजाब मामलों दे इंचार्ज ते केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल उन्हां दे सिसवां स्थित महिंदर बाग विखे मुलाकात की। दोवां दरमियान यह मीटिंग कोई डेढ़ घंटा चली ते इस दौरान चोणां संबंधी रणनीति ते तिन्नां पार्टियां दरमियान टिकटां दी वंड संबंधी विचार वटांदरा होया। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी वालों मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार सीनियर कांग्रेस आगू सुखपाल सिंह खहरा दी मुश्किलां लगातार वधदियां जा रही ने। मोहाली अदालत ने कांग्रेस आगू नूं वड्डा झटका दिंदियां उसकी जमानत अर्जी रद्द कर दी है। ईडी के वकील ने अपनी दलील विच कहा कि सुखपाल खहरा की जमानत अर्जी रद्द की जाए क्योंकि उसके जेल चो बाहर आने नाल जांच प्रभावित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अलगार परिषद माओवादी संबंध मामले विच सुधा भारद्वाज नूं जमानत देने दे बंबे हाई कोर्ट दे हुकम खिलाफ एनआईए दी पटीशन नूं खारिज कर दिता है। पाकिस्तान दे पंजाब प्रांत विच दुकान विचों समान चोरी करन दे दोष तहत लोकां दे हजूम ने चार औरतां जिन्हां विच एक नाबालग भी शामिल है उन्हां नूं नंगे धड़कुमाया ते लाठियां नाल उन्हां दी पिटाई भी कीती। इस घटना दी वायरल होई वीडियो विच ए औरतां लोकां नूं अपील कर रहियां सन कि उन्हां नूं तन ढकण लई कपड़े दित्ते जाण। सोशल मीडिया राहीं घटना दी जानकारी लैण मगरों पुलिस हरकत विच आई ते घटना दे पंज मुख मुलजमां नूं गिरफ्तार कीता गया। एक जानकारी मुताबक पीड़ित औरतां फैसलाबाद दी बाबा चक मार्केट विच वेस्ट मटीरियल चुक्कण गईआं सन। अमरीका तो बाद आस्ट्रेलिया ने भी बीजिंग ओलंपिक का कूटनीतक बायकॉट करने का फैसला करके चीन नूं वड्डा झटका दिता है। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बीजिंग ओलंपिक के कूटनीतक बायकॉट का सद्दा दिता है। इस तो पहला अमरीका ने चीन के कमजोर मनुखी अधिकारों के रिकॉर्ड कारण 2022 दी सर्द रुत ओलंपिक खेडों के कूटनीतक बायकॉट का ऐलान किया। इसी साडा अज का पंजाबी खबरों का बुलेटिन हुण मिलदी इजाजत सत श्री अकाल।